महिषासुर के साथ असुर समाज का अंत शीघ्र ही होने वाला है। मैंने पूर्व में ही तुम्हारे कुल गुरु शुक्राचार्य को इसकी सूचना स्वप्न में ही दे दी थी। हे माते, इस सर्वनाश से बचने का कोई उपाय तो अवश्य होगा। असुरों के संरक्षण को दिशा प्रदान करो माते असुरेश्वरी, मैं शरणागत हूं। उपाय पूछ रहे हो तो सुनो। महिषासुर के उस प्रगट हुई आदि शक्ति के शरण में जाने से ही असुर कुल सर्वनाश होने से बच सकता है, अन्यथा नहीं। परंतु माता, आप मैं स्वयं भी उसी परम शक्ति की एक कला मात्र हूं, उसी के अधीन हूं। उसकी कृपा के बिना असुरों के महाविनाश को कोई भी नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं टाल सकता। शीघ्र कुलगुरु को देनी चाहिए। अनुष्ठान भंग हो गया, मेरी साधना निष्फल हो गई। क्या कहते हो रक्तबीज, तुम तो कठोर व्रतधारी हो, तुम्हारी साधना भी निष्फल हो गई? हाँ गुरुदेव, माता असुरेश्वरी देवी ने स्वयं प्रकट होकर कहा, यदि महिषासुर उस अलौकिक देवी की शरण में नहीं गया तो असुर कुल का सर्वनाश होकर रहेगा। उस सर्वनाश को कोई रोक नहीं सकता। गुरुदेव, आपको भी तो माता ने स्वप्न में संहार का दृश्य दिखाया था। हाँ, यही तो मेरी पीड़ा है। महिषासुर के मस्तक पर अहंकार आरूढ़ है और नेत्रों में काम वासना की कालिक पुत गई है। वो तो अपने मत में असुर कुल के सर्वनाश को चुनौती दे रहा है। निसंदेह नियति बहुत कठोर हो गई है, इसीलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। परंतु गुरुदेव, अब क्या होगा? वत्स रक्तबीज, अवसर अभी हाथ से गया नहीं है। माता असुरेश्वरी के वचन महिषासुर को सुनाकर समझाने का एक बार पुनः प्रयत्न करो। नहीं आचार्य बल, जब उसने आप जैसे परम पूज्य कुलगुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दी तो उसे विधाता भी नहीं समझा सकते। जब जलियान का स्वामी ही स्वयं अपने जलियान को समुद्र में उठे चक्रवात में झोंक दे, उसे कौन बचा सकता है? गुरुदेव, काल की प्रेत छाया उनके मस्तक पर मंडरा रही है। गुरुदेव, उन्होंने अपने समस्त महारथियों को उस देवी को बंदी बनाने हेतु भेज दिया है। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, प्रधान अमात्य ने उन महारथियों को आपका संदेश देकर
वापस लौट जाने हेतु पर्याप्त समझाया, परंतु वे टस से मस नहीं हुए। गुरुवर, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। सूर्योदय होते ही वे उस देवी को बंदी बनाने हेतु आगे निकल पड़ेंगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। जो आज्ञा गुरुवर। यह सूर्य उदय कहीं असुर कुल का सूर्य अस्त न बन जाए। नर्तबीज। जी गुरुदेव। कर्मठ व्यक्ति को बाधाओं के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। एक बार पुनः जाकर असुरेश्वरी देवी को प्रसन्न करने हेतु अनुष्ठान करो वत्स। सतत रस्सी के खींचने से आशा भी खींच जाते हैं, फिर वो तो माता है, असुरों की असुरेश्वरी। तब की आंख से घी की भांति अवश्य ही पिघल जाएगी। जाओ, पुनः अनुष्ठान करो। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। सूर्य उदय होने को है। इसके पूर्व के असुर सेना नायक उस महाकाली काल रात्रि मायावली को बंदी बनाने निकल पड़े। हम शीघ्र ही उन्हाटी योद्धाओं को रोकने के लिए स्वयं जाएंगे। इतने मधुर शब्दों में पुकारने वाली हे तेजोमयी देवी, आपकी वात्सल्य भरी मुस्कान और नेत्रों में अपार स्नेह को देखकर मैं द्रवित हो रहा हूं। ऐसी करुणा, ऐसी वात्सल्यमयी ममता मैंने आज तक किसी स्त्री में नहीं देखी। सच सच कहिए, आप कौन हैं? पुत्र, अब
अपनी जन्मदात्री माता के अतिरिक्त ये ममता और वात्सल्य अन्य किसी स्त्री में हो ही कैसे सकता है? जन्मदात्री माँ? हाँ मेरे लाल, मैं वही तुम्हारी अभागी माँ हूं जो अपने आंचल का अमृत पिलाए बिना ही, अपने पुत्र का मुख देखे बिना ही तुम्हारे पिता की चिता ज्वाला में आहुत हो गई। पुत्र, जलती ज्वाला में जन्म लेने के कारण तुम ज्वालामुखी जैसे विकराल हो। आज तुमसे मिलने के लिए बछड़ी से पिछड़ी गाय की भांति मैं तड़पती हुई सतियों के निवास सतलोक से मैं यहां आई हूं। नहीं पुत्र, नहीं, अशरीरी आत्मा होने के कारण मैं तुम्हारे हृदय स्पर्श का सुख नहीं पा सकूंगी, यही मेरी विवशता है। हे माता, ये मेरा अभाग्य है कि मुझे अपनी ममतामयी माता के दर्शन हो गए। आपके दर्शन पाकर मैं सहस्त्र गुणा शक्ति और तेज से परिपूर्ण हो गया हूं। अब मैं आपके एक इंगत पर अपने प्राणों तक को न्योछावर कर सकता हूं। यदि आप चाहें तो मैं आपके प्राण घाती दुष्ट इंद्र को आकाश पाताल चीरकर कहीं से भी पकड़कर आपके चरणों की ठोकर का पात्र बना सकता हूं, उसके सहस्त्र सहस्त्र टुकड़े कर सकता हूं। हे माते, मैं उसके रक्त से आपका अभिषेक करना चाहता हूं। आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर मैं आपका श्राद्ध करना चाहता हूं। कृपया मुझे आदेश दे, मैं आपका क्या प्रिय करूं। पुत्र महेश, यदि तुम सचमुच मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपनी सदैव जलती इस प्रतिशोध की क्रोधाग्नि को सदा सर्वदा के लिए शांत कर दो। पुत्र महेश, इंद्र आदि देवताओं को तुम स्वर्ग से खदेड़कर द्वार द्वार का भिखारी बना चुके हो। अपमान और आत्मा ग्लानि की ज्वाला में जलकर सारे देवता तेज शून्य हो गए हैं। अब कैसा प्रतिशोध महेश, कैसा प्रतिशोध? Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.